पागल गई थी उधर से बुला रही मुझे। पहाड़ की शादी देख लो तुम लोग, बारात रुकी हुई है यहाँ पे, जाएंगे तभी तो जल्दी से वापस आएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं वापस दिल्ली और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। दो हफ्ते कहाँ निकल गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। तुम लोग देख रहे हो इतना सुंदर, इतना सुंदर नजारे। खा ले भाई, खा ले, खा ले, खा ले। हम फाइनली निकल चुके हैं दिल्ली के लिए एंड पता नहीं, मिक्स्ड फीलिंग्स है। मतलब अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। बुरा ज्यादा लग रहा है क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे जगह की इतनी याद आनी है, इतनी याद आनी है, बट क्या करें, जाएंगे तभी तो जल्दी से वापस आएंगे। हम रस्ते पे निकले ही हैं अभी, मतलब हमें आधा घंटा हुआ है और मेरी तबीयत खराब होना, मम्मा मैं बात कर लूं 2 मिनट यार, मेरी तबीयत खराब होना चालू हो गया और मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो अभी केमिस्ट से मैंने अपने लिए दवाइयां ली है, मम्मी ने अपनी उल्टी की दवाई ले ली और बाकी पेट दर्द की उन्होंने मुझे दवाइयां दे दी है। तो अभी मुझे ये खानी है, आई होप कि ठीक हो जाइए वरना मेरा रास्ता पूरा रुइन हो जाएगा। देखो ये चील दूर से अभी तुम लोग, ओ कितनी सारी है वैसे ऊपर, ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, अभी पास आई थी हमारे, बाप रे इतनी बड़ी ह्यूज एकदम चील थी। ये देखो अभी तो और पास थी, बिल्कुल सामने से निकली हमारी, इतनी ह्यूज। तुम लोग धुंध देख रहे हो, हम बादलों के बीच में हैं एकदम, और एकदम से मनाली वाला सीन हो रखा है यहाँ तो। हम लोग रुक गए अपने मैगी ब्रेक के लिए क्योंकि मम्मा सुबह से क्रेव कर रही है मैगी। मैं नहीं आ रही, क्यों नहीं खुशी भाई कर दे। अरे मैंने चप्पल पहनी है, मैं नीचे कैसे आऊंगी। कृषिका का सुसु ब्रेक हो चुका है फिर से, एक सुसु के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। यहाँ से चढ़िए ऊपर कुछ घास में, कह रहे अच्छा था ना साफ सुथरा वहाँ पे। ऐसे नहीं, नहीं। मुझे को धक्का दे रही है, ऐसे मुझे उठाना ऐसे करके। खरम बैठ जा मेरे नीचे तो बैठ। ओए रुको, इतना इजी है ये, ऐसी आ जाता हूँ मैं। पागल गई थी उधर से बुला रही मुझे। हमने रायता पकौड़ी भी मंगा लिया है, कैसा है पापा? ये हमारे गांव की फेवरेट डिश होती है रायता पकौड़ी। मैगी भी आ गई है मेरी। मैगी हमने खा ली है, बहुत टेस्टी मैगी बनी थी एंड अब तय करते हैं अपना आगे का सफर। पहाड़ की शादी देख लो तुम लोग, बारात रुकी हुई है यहाँ पे। दुल्हन है, दुल्हन है। रात लेके आए हो? हाँ हाँ, वो दुल्हन है, दुल्हन के ये देखना पन्ना देखना बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं लोग? रेस्ट ले रहे हैं। अच्छा स्टॉप लिया है इन्होंने। बहुत टेस्टी खाना बना है, कड़ी आलू गोभी की सब्जी, दाल, ये देखो पकौड़े, नहीं आलू के गुटुक विद रायता रोटी, अच्छा बना है वाकई काफी। चिड़िया कैसी खा रही है यहाँ पे देखो, चुटकी चुटकी सी। मम्मी को देख लो गाइस।
कैसे लेटी हुई मम्मा, मजा आ रहा है? मम्मी टायर्ड हो गए, बहुत ज्यादा थक गई है। नहीं, उल्टी जैसी हो रही थी इसको। और दवाई भी खाई मम्मी ने उल्टी की। एक तो ना ऐसे रोड पे चलते 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 जो ना बोरिंग सा हो जाता है एकदम। अभी कह रही है लोग बाहर गए थे लंच करने, मैं तो सो गई थी, अभी उठी हूँ मैं। खाना बहुत टेस्टी था भाई, बहुत टेस्टी था। मैंने भी एक रोटी खाई, मम्मा ने मुझे दाल और एक रोटी ला के दी थी, मस्त मजा आ गया। इतनी सॉफ्ट रोटी, ओए होए होए, गरम गरम। देखो हमारा तो ये है, मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई पहाड़ों से आ रहा हो ना, अगर कोई पहाड़ों से आ रहा हो तो भैया सुराव पे आके खाना खाओ। नीचे तो रामनगर के नीचे तो बिल्कुल नहीं खाना, सारा कचरा गंद मिलता है। यहाँ पे एकदम घर का खाना, सादा खाना। तो तुम लोग जब भी आओ सुराव पे रुको। चौखटिया में हो रही थी खूब बारिश। पूरे पहाड़ों के थ्रू नीचे आ गए हैं जिम कॉर्बेट वाले रास्ते पे। ये जिम कॉर्बेट पार्क के बीच की जगह, और यहाँ पे अक्सर बाघ दिखाई देते हैं। कोशिश करेंगे कि हमें भी बाघ दिखे, भी चाहते हैं कभी बाघ देखे हम। ऐसी बातें मत कर भाई। और जिस दिन बाघ हमारे सामने आएगा, हमारे मुझे नहीं देखना भाई। म्यूजियम घूम सकते हैं फ्री, टिकट घूम सकते हैं। अच्छा, और अच्छा, और म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में वही टाइगर का और कॉर्बेट के बारे में भी दिखाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे कितने शेर होते हैं वैसे? शेर तो कोई पता नहीं, शेर तो पता नहीं कितने। उन्हें क्या पता कितने शेर होते हैं, बाघ वाघ कितने होते हैं, ऐसा नहीं होता है, गिने होते होते इनके। गाइस, हम फिर से गर्जिया माता के मंदिर पहुँच गए हैं, एंड यहाँ से हमारा घर है, अभी भी 5-6 घंटे तो होगा, बच जाएंगे हमें 7-8 आदमी। और दो एलिफेंट्स देखो कितने पास है हमारे। ओए पापा क्या कर रहे हो, एक सूंड घुमा दी ना उसने, उस हमें नहीं कह रहे वो। कैमल तो है यहाँ पे, लेकिन छोटू छोटू कैमल है ना, देखो कैमल। मम्मी और मैं जगह चेंज कर रहे हैं क्योंकि मम्मी सोने जा रही है और मैं आगे बैठ रही हूँ, सो नहीं रही। लेकिन मम्मी ने उल्टी की दवाई खाई थी तो उससे ना बहुत डिजीनेस होता है। हेलो, मेरे को हो गया फिजीनेस। पापा और मुझे स्ट्रॉबेरीज की क्रेविंग हो रही थी, हम रास्ते में सब देखते हुए जा रहे थे, स्ट्रॉबेरीज मिल रही थी तो हमने सोचा हम भी थोड़ी स्ट्रॉबेरी ले लें। डाल दो, गिर रहा है वो। अब मम्मी को अमरूद खाना है क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी ली तो मम्मी को अमरूद की क्रेविंग हो रही है। चेक करो, क्या दे दो, नमक लगा दो खूब सारा। We have stopped for tea and हमारी चाय भी आ गई है और मैं बिस्किट खा रही हूँ। मैं अभी गाड़ी से उतर रही हूँ ना भाई साहब, मेरे पैर ऐसे हिल रहे हैं और मेरे को ऐसे चक्कर आ रहे थे। अरे अब आप आगे बैठ जाओ भाई, मैं बैठ गई भाई। अरे मेरे को बैठना है, अब पीछे छोड़ दे यार, छोड़ दे। जब मैं बोलती हूँ मुझे आगे बैठना तब मुझे कोई आगे बिठाता नहीं है, और जब मैं बोल रही हूँ मुझे पीछे बैठना है अब मुझे कोई पीछे नहीं बैठने दे रहा है। नहीं ये ना सुनो, एक मेरी बात सुनो। अरे सर मेरी बात, आप मोबाइल रिचार्ज मारते हो तो आप ऐसे बैठे थे। अच्छा खासा अभी तक घर पहुंच जाते, बट हमारे फास्ट टैग का कुछ इशू आ रहा है तो हम 3 टोल में अटक चुके हैं, और ये 4th टोल है जहाँ पे हमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। घर पता नहीं कब पहुंचेंगे, 9:30 ऑलरेडी बज चुका है। अब लेट्स सी, तो ध्यान मत रखो मेरे पास, समझो आने वाले टाइम में हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली वो भी देखो। प्रॉब्लम भाई साहब मेरे पास, समझ रहे हो ना, टोल के चक्कर में बहुत 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 ज्यादा टाइम लग गया था एंड मैं सो गई थी, एंड 11:30 हो गया, अभी तक हम घर नहीं पहुंचे एंड हम डिनर कर रहे हैं। इतना बड़ा पराठा, पराठा देख लो हमारे, इतना ह्यूज पराठा खा रहे हैं। और मैं व्लॉग यही एंड कर रही हूँ, हम पहुंच गए हैं नोएडा एंड हम 5-10 मिनट में घर भी पहुंच जाएंगे खाना खाने के बाद। सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग, मैं बहुत 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 थक गई हूँ और मेरे फोन में बिल्कुल बैटरी भी नहीं है। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।